वेलकम टू न्यू लेसन। सो कल के लेसन में हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी कि कैसे आपको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है। सो वो स्ट्रेटेजी नॉट ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बट काफी सारी और इंडस्ट्रीज पे भी अप्लाई होगा। सो कल जो हमने डिस्कस किया था वो हम अब आज के लेसन और कल के लेसन में उसको करके देखेंगे एग्जैक्टली वो सारी चीजें, राइट? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक एक लैंडिंग पेज बनाता हूँ, उसका थैंक यू पेज बनाता हूँ। ज्यादा फैंसी नहीं, मैं सिंपल टेम्पलेट इंपोर्ट करूंगा और कुछ नहीं करूंगा मैं। सो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस पे हूँ, है ना, वर्डप्रेस का ये फ्रंट पेज है। सो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में लॉग इन करता हूँ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट जो है मेरी, और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और पेजेस पे जाते हैं और करते हैं एड न्यू। ठीक है, एक नया पेज ऐड करता हूँ मैं, सिंपल सा। अब ध्यान से देखना, पहले भी मैं बता चुका हूँ सारे प्रोसेस के बारे में, और पेज का नाम लिख देता हूं मैं लैंडिंग पेज, जस्ट टू मेक इट सिंपल। ठीक है, लैंडिंग पेज, और इसको कर देते हैं पब्लिश। ठीक है जी, और इसको कर देते हैं फुल विथ, और यहां से क्लोज करिए और यहां से अपडेट कर दीजिए। इसको यहां से करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, और ये जो सेक्शन है एड टेम्पलेट, एड टेम्पलेट करते हैं, और मैं कोई टेम्पलेट लेता हूं यहां से एक पेज का, ना नथिंग फैंसी, जस्ट एक टेम्पलेट ले लेता हूं, उसी टेम्पलेट को हम यूज करेंगे। ठीक है, और सो कोई भी थोड़ा सा ये लो, ये डिजिटल एजेंसी है बट ये है प्रो, ये फ्री है, तो इसको इंसर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, ओके, और इसको यहां से कर देते हैं अपडेट। ठीक है जी, अपडेट हो गया, और एग्जिट कर देते हैं। और यहां से प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, सो ये सब चीजें थोड़ी सही नहीं लग रही, तो हेडर डिसेबल कर देते हैं और टाइटल डिसेबल कर देते हैं। अब इसको अपडेट करते हैं। और यहां से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। ठीक, अब हमें चाहिए एक थैंक यू पेज। ठीक है जी, तो उसके लिए फिर वापस पेजेस पे जाते हैं, ऑल पेजेस, और क्योंकि हमेशा लैंडिंग पेज कोई फिल करेगा तो लैंडिंग पेज फिल करने के बाद थैंक यू पेज आएगा, है ना। सो हमारा ये लैंडिंग पेज हो गया, और अब हम डालते हैं थैंक यू पेज। तो ऐड न्यू करता हूं, और सिंपल, या फिर एक काम करता हूं, चलो नया पेज ही बना लेते हैं, एड न्यू करते हैं थैंक यू पेज, इसे कर देते हैं 100% फुल विथ, और टाइटल डिसेबल और हेडर डिसेबल और पब्लिश। ठीक है, यहां से पब्लिश करते हैं और एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, अगेन नथिंग फैंसी, एक टेम्पलेट मैं कोई यूज कर लूंगा। ठीक, सो यहाँ टेम्पलेट पे जाते हैं, हाँ पेजेस पे ही जाना है, और यहाँ पे थैंक यू लिख के देखो तो कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, सो कोई भी पेज एक यहाँ से ले लेता हूँ।
या फिर एक सिंपल काम करते हैं, एक प्लस सेक्शन ऐड करते हैं, ठीक, हेडिंग डालते हैं और थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन ऑल वर्किंग विद अस और आवर टीम विल ऑल गेट बैक टू यू एट द अर्लीस्ट। ठीक है, और एक यहाँ पे और ले लो और स्पेस इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस डाल दो और यहाँ आओ, इसको 900 टाइपोग्राफी और ये कर दो और कंटेंट पे जाके सेंटर स्टाइल कलर ब्लैक और लाइन हाइट, ठीक है, अपडेट। अपडेट करते हैं, और एग्जिट करते हैं, अपडेट कर देते हैं और यहां से स्लग थैंक यू पेज लैंडिंग पेज, परफेक्ट, थैंक यू पेज लैंडिंग पेज हो गया जी। और ये रहा मेरा गूगल एड अकाउंट, बिल्कुल फ्रेश, कोई टैगिंग वगैरह नहीं, कुछ नहीं कर रखा, राइट। अगला काम क्या करेंगे, सारी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले बनाऊंगा टैग मैनेजर अकाउंट, ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट। अभी मैं टैग मैनेजर पे हूँ, सिंपल मैंने गूगल पे सर्च किया गूगल टैग मैनेजर, मैं आ गया टैग मैनेजर पे। अकाउंट का नाम डब्ल्यू पी कोर्स और कंट्री इंडिया, यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम सिंपल, देखो एकदम स्टार्ट स्क्रैच से स्टार्ट किया है, कई बार मैं आप लोगों को अब सेम चीज बता चुका हूँ, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। यहाँ पे लिया मैंने वेब, यहाँ पे मैंने किया क्रिएट, ये मैं जानबूझ के दो तीन बार सेम वीडियो बना चुका हूँ, सेम टाइप का कॉन्टेंट बता चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मैं इसीलिए इसको दोबारा या तिबारा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रह जाए रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अब यहाँ दो कोड आ गए जो हमें लगाने हैं, है ना, तो सिंपल या तो मैं कोड लगा सकता हूँ या मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है, तो इसको बंद करता हूँ, मैं प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। टैग मैनेजर पे जाता हूँ, अपीयरेंस में प्लगइन में जाता हूँ, एड न्यू करता हूँ प्लगइन में जाके, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जस्ट ध्यान से देखना है। और गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल क्लिक किया, गूगल टैग मैनेजर, और आ गया गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस, क्लिक इंस्टॉल, टैग मैनेजर पे जाओ और ये जो आ रहा है इसको कॉपी कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो कॉपी, वापस आ जाओ, इसको एक्टिवेट कर लो, ठीक है, अभी इंस्टॉल किया था, नाउ लेट्स एक्टिवेट इट। एक्टिवेट हो गया, इधर ही होगा कहीं, सेटिंग में जाओ, गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस सेटिंग्स में जाओ, टैग मैनेजर आईडी पेस्ट कर दो, आगे देख लो स्पेस तो नहीं है, नहीं है, और कोडलेस इंजेक्शन, ठीक है, और सेव चेंजेस, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं, कोडलेस इंजेक्शन सेव चेंजेस, लग गया टैग मैनेजर, वापस आओ, इसको सबमिट करो, इसको पब्लिश करो और इसको कंटिन्यू करो, बिल्कुल ही आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां से आप प्रीव्यू करो, एक बार हो जाने दो इसको पूरा, वर्कस्पेस पे आ जाओ और यहां से इसको करो प्रीव्यू, प्रीव्यू हो गया, हो जा भैया प्रीव्यू हो गया। लैंडिंग पेज पे आओ, हार्ड रिफ्रेश, कंट्रोल F5, हार्ड रिफ्रेश, हार्ड रिफ्रेश किया, अब थोड़ा सा इसको समय दो, नीचे एक विंडो आ जाएगी, है ना, बस आने वाली है, देखो यहाँ पे हो गया, हो गया, वापस आओ, नहीं हुआ,
आया नहीं है तो दोबारा करो कंट्रोल F5 और थोड़ा समय दो उसको। अभी भी नहीं आया, सेव चेंजेस कर दिए थे ना, फिर से कर दो सेव चेंजेस। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कर दो सेव चेंजेस और फिर से कर दो रिफ्रेश। अभी भी नहीं आया तो एक काम करो, लीव प्रीव्यू मोड करो। और इसको यहां से फिर से सबमिट करो और यहां से पब्लिश करो, पब्लिश कर दिया। और वर्कस्पेस पे जाओ, थोड़ा लोड होने दो, हो गया प्रीव्यू। प्रीव्यू हो गया, वापस आ जाओ, करो रिफ्रेश। अब करो इधर करके देखते हैं थैंक यू पेज पे। कई बार क्या होता है कुकीज वगैरह क्लीन करने के बाद आ जाता है राइट, तो उस वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही हो। नहीं आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है देखो HN6Q, ठीक है, और हमारा है HN6Q मतलब सही है। यहाँ पे नहीं आ रहा फॉर सम रीजन, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट ये सही चल रहा है ना। देखो यहाँ पे कोई टैग फायर नहीं हो रहा, बस हमारा टैग मैनेजर एकदम परफेक्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको लीव प्रीव्यू मोड और इसको करना है ओके, ठीक है जी, बन गई बात। अगली चीज क्या करोगे, अगली चीज करोगे गूगल एनालिटिक्स का सेटअप, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स, यहां पे मैं हूं गूगल एनालिटिक्स पे राइट, तो सिंपल गूगल एनालिटिक्स क्लिक किया, पहले क्लिक लिंक पे क्लिक किया और गूगल एनालिटिक्स पे आ गया। अब मैंने किया स्टार्ट मेजरिंग, अकाउंट नेम लिख दो WP कोर्स, और नेक्स्ट वेब लेना है, नेक्स्ट वेबसाइट का नाम क्या है हमारे, सो हमारे वेबसाइट का नाम है जी ये, ठीक है, ये रहा वेबसाइट का नाम, कहाँ गए ये, ठीक है ये ले लिया HTTPS, हमारा HTTPS है ना, तो HTTPS ले लिया। और कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, और क्या है बिजनेस कर लो या इंटरनेट कर लो, ठीक है, और ये कर दो इंडिया, और नेक्स्ट इसको कर दो, नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं गूगल के सारे हमें, आई एक्सेप्ट, ठीक है जी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान, कुछ नहीं करना, जस्ट एक्सेप्ट करना है। इसको कर दो नो थैंक्स, ट्रैकिंग आईडी इसको करो कॉपी, टैग मैनेजर एड अ न्यू टैग, टैग का नाम लिख दो गूगल एनालिटिक्स, आगे लिख दो ऑल पेजेस, टैग कॉन्फ़िगरेशन गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स, ये ले लो, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स सेटिंग यहाँ क्लिक करो, ये वेरिएबल आ रहा है ये वेरिएबल क्लिक करो, करो न्यू वेरिएबल, इसको लिख दो GA, यहाँ क्लिक करो, नीचे ट्रैकिंग आईडी पेस्ट कर दो, सेव कर दो, कितना आसान है। ट्रिगरिंग क्लिक करो, ऑल पेजेस ले लो, इसको सेव कर दो, कर दिया, सबमिट करो, पब्लिश करो, कंटिन्यू करो, वर्कस्पेस पे आओ,
एक बार रुक जाओ, 5-10 सेकंड रिफ्रेश करो। प्रीव्यू करो। प्रीव्यू कर दिया, वापस आ जाओ, क्लिक करो। कंट्रोल F5 करो जी। इस पेज पे आ नहीं रहा फॉर सम रीजन, यहां पे आ गया। फिर से इसको कर दो रिफ्रेश। देखो गूगल एनालिटिक्स का फायर हो रहा है ना, मतलब गूगल एनालिटिक्स हमारा अब सही से लग चुका है। ठीक है, तो आई होप यहां इतना आपको क्लियर है, सिंपल गूगल एनालिटिक्स लगाने तक का प्रोसेस आपको क्लियर है। ठीक है, बाकी सारी चीजें करेंगे हम कल के लेसन में, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो पाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।